बीती 13 दिसंबर को जब 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की 22वीं बरसी वाले दिन एक बार फिर नए संसद भवन में दो घुसपैठियों ने सदन की सुरक्षा में सेंध लगाकर पूरे देश को सन्न कर दिया था। तब देश का सबसे सुरक्षित आधुनिक भवन कही जाने वाली नई संसद की सुरक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। हालांकि संसद की सुरक्षा के उल्लंघन मामले में 6 में से 4 आरोपियों को घटना को अंजाम देने के बाद ही हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद से इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस कड़ी में अब जांच के दौरान राजस्थान से कुछ जले हुए फोन पार्ट्स को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मामले के मास्टरमाइंड ललित ने राजस्थान के कूचामन में 4 नहीं बल्कि 5 मोबाइल फोन नष्ट किए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी तक ललित झा का फोन बरामद नहीं कर पाई है। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपियों के फोन ललित झा के पास थे। इन सभी मोबाइल फोन को गायब करने में महेश और कैलाश ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कूचामन पहुंचकर जले हुए फोन बरामद कर लिए। कहा जा रहा है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की अपनी योजना को अंजाम देने से ठीक पहले ललित ने 4 अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन ले लिए थे और विरोध प्रदर्शन के वीडियो बनाने के बाद जल्दबाजी में भाग निकला था। उसने संसद के बाहर अमोल और नीलम के विरोध प्रदर्शन को भी फिल्माया और इसे कोलकाता के एक व्यक्ति के साथ साझा किया था, जो कि एक NGO सामोवादी सुभाष से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके बाद ललित राजस्थान भाग गया था। वहां फोन पुलिस के हाथ ना लगे इसके लिए उसने पहले उसे तोड़ा था और उसके बाद जला दिया था। हालांकि बाद में जब उसे पता चल गया कि उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, तो फिर अपने अन्य दोस्तों की सलाह पर दिल्ली आया और कर्तव्य पथ के थाने में जाकर सरेंडर कर दिया था। खबरों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम कोलकाता के उस शख्स से पूछताछ करने के लिए पश्चिम बंगाल जा सकती है, जिसके संपर्क में ललित था। बताते चलें कि दिल्ली की एक अदालत ने बीते शुक्रवार को ललित झा को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के बाद 6 आरोपी महेश कुमावत को भी शनिवार को 1 सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं गुरुवार को उसी अदालत ने 4 आरोपियों सागर शर्मा, मनोरंजन डी नीलम, आजाद और अमोल शिंदे को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। गौरतलब है कि संसद में 13 दिसंबर के दिन हंगामा करने वाले 5 आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। सागर शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है, मनोरंजन डी कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है, नीलम हरियाणा के जींद जिले के गाँव घासो खुर्द की रहने वाली है, अमोल शिंदे लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके अलावा एक पोच कंपनी में ड्राइवर विशाल शर्मा हरियाणा और ललित झा बिहार का रहने वाला है। सूत्रों का कहना है कि ललित झा इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। बहरहाल जहां एक तरफ इस पूरे हंगामे के बीच विपक्ष लगातार सदन में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जांच के दौरान बड़े खुलासे होते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।